नमस्कार, मैं प्रियंका ऑल्ट न्यूज़ से। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस दावे के साथ वायरल हो रहा है कि मध्य प्रदेश में एक हिंदू लड़की को जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने चर्च में प्रेयर अटेंड किया था। वीडियो के भयानक होने के कारण हमने इसे धुंधला कर दिया है। वीडियो में बीच सड़क पर लोगों की भीड़ द्वारा एक लड़की को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो के साथ इस पोस्ट में लिखा गया है कि इसे और ज़्यादा शेयर करिए ताकि पूरी दुनिया के लोग इस धरती पर असली नरक भारत को देख सकें। इनक्रेडिबल इंडिया का सबसे बुरा चेहरा देखिए। वीडियो को शेयर करने वाले यही एक जैसा संदेश पोस्ट कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि यह वीडियो व्हाट्सएप पर भी शेयर हो रहा है। ऑल्ट न्यूज़ ने इस वीडियो की पड़ताल साल 2017 में ही की थी, जब यह एक अलग दावे से वायरल हो रहा था। उस समय दावा यह किया जा रहा था कि वीडियो में दिख रही लड़की आंध्र प्रदेश की हिंदू मारवाड़ी घर से है, जिसकी शादी एक मुस्लिम लड़के से हुई थी। बुर्का नहीं पहनने की वजह से कुछ लोगों ने इसे बुरी तरह पीटा और फिर जिंदा जला दिया। सच्चाई यह है कि यह वीडियो ना ही आंध्र प्रदेश का है ना ही मध्य प्रदेश का। दरअसल यह वीडियो भारत का है ही नहीं। यह घटना दक्षिण अमेरिका के ग्वाटेमाला की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़की ने अपने दो पुरुष सहयोगियों के साथ मिलकर एक कैब ड्राइवर की हत्या की थी। लड़की के दोनों सहयोगी भाग गए, लेकिन भीड़ ने इस लड़की को पकड़ लिया और जिंदा जला दिया। यह घटना साल 2015 की है। उस समय कई मीडिया संगठनों ने इस पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस तरह हमने देखा कि इस वीडियो के साथ किए जा रहे दोनों दावे झूठे हैं। जहाँ एक तरफ यह दिखाया गया कि एक हिंदू मारवाड़ी लड़की को बुर्का नहीं पहनने की वजह से जिंदा जला दिया गया, वहीं दूसरी तरफ यह दर्शाया गया कि चर्च में प्रेयर अटेंड करने की वजह से एक हिंदू लड़की को मारा गया। एक ही वीडियो को दो अलग सांप्रदायिक संदेश के साथ फैलाना यह दर्शाता है कि दुष्प्रचार किसी भी तरफ से आ सकते हैं। इसलिए हमें हर वक्त चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। एक जिम्मेदार सोशल मीडिया यूजर बने कुछ भी शेयर करने से पहले एक बार उसकी जांच जरूर कर लें। खासकर ऐसी किसी तस्वीर या वीडियो के साथ आपका एक गलत संदेश लोगों में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है। सोशल मीडिया से मिलने वाली ऐसी कोई भी जानकारी जिस पर आपको संदेह हो, उसे आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 7600011160 पर भेज सकते हैं। शुक्रिया।